एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैं छील रही हूँ आलू और मेरा ब्लॉग शुरू हो चुका है, तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा। और वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगेगी ना तो लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पर मैंने आलू उबाल कर जो है रखा था, क्योंकि अब मैं इसको छील रही हूँ, क्योंकि आज मुझे बनाना है आलू की सब्जी रसेदार, जो कि आलू के पराठे के साथ या पूरी के साथ खाई जाती है, और मैं बनाऊंगी आलू का पराठा। तो अपने लिए सिंपल सा बनाऊंगी, इसमें तेल वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा, बस रोटी जैसा उसको बना लूंगी। और वैसे मेरा पूरी बनाने का मन था, क्योंकि ये आलू की सब्जी वाली जो मैं बनाऊंगी ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मैंने सोचा था ना कि जो है पूरी के साथ इसको बनाएंगे, लेकिन पति देव का आलू का पराठा खाने का मन है, तो उनके लिए आलू का पराठा बना दूंगी। और बस अभी ये सब करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन क्या करें मैंने सोचा अपना ब्लॉग भी शुरू कर लेते हैं। तो मेरा ब्लॉग शुरू हो चुका है, तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। और अब यहाँ पर देखिए, आलू मेरी पूरी छिल गई है। अब मैं इसको थोड़ा सा मैश कर रही हूँ, मैशर मेरे पास नहीं है तो मैं ग्लास से इसको मैश कर लेती हूँ, हर चीज़ का जुगाड़ मेरे पास रहता है। तो बस इसको मैं ऐसे ही ग्लास से मैश कर लेती हूँ और अच्छे से मैश हो जाता है। और ये जो बाउल में आलू है, इसको मैं दो टुकड़ों में कर लूँगी, क्योंकि इसकी मुझे सब्जी बनानी है, और उसके बाद मुझे भी बहुत सारे तैयारी करनी है, जैसे कि धनिया वगैरह कट करना है। और ये देखिए, यहाँ पर अब मुझे कट करना है धनिया, और इसको मुझे पीसना है, क्योंकि मैं जीरे वाला जो है पराठा नहीं बना रही हूँ। मैं उसमें भी पति देव ना को थोड़ा सा तीखा खाना पसंद है, तो मैं इसमें धनिया, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन ये सब ऐड करके इसको ना पीस लूँगी अच्छे से, और उसी आलू में इसको मिक्स कर दूँगी। और भुना जीरा भी मैं मिक्स करती हूँ, वैसे मैं उसको बहुत कम मिक्स करूँगी, क्योंकि पति देव को ज़्यादा वो पसंद नहीं है, उनको चटपटा खाने का मन करता है, तो इसलिए मैं जीरा वगैरह बहुत कम ही डालती हूँ। बस सादा बनाना रहता है ना मुझे, मेरे लिए तभी मैं जीरे और मिर्चे और नमक का बनाती हूँ, नहीं तो मैं बस ऐसे ही बनाती हूँ तीखा तीखा। ये देखिए, तो बस उनके लिए बना दूँगी, उनके लिए क्या सब लोग यही खा लेंगे, क्योंकि टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी खाना वगैरह बनाने में। बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मैं कैसे मैनेज करती हूँ मैं ही जानती हूँ। मेरा तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है बिना खाए पिए, समझ में नहीं आता क्या करूँ, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ता है। तो बस अभी यहाँ पर टमाटर कट कर रहे हैं सब्जी के लिए, और उसके बाद फिर इसको मैं ग्राइंड करके रख लूँगी, और ये मेरा काम ख़त्म हो जाएगा पूरा। और यहाँ पर मेरा बच्चा देखिए उठ गया है, तो उसके लिए मैं दूध लेकर जा रही हूँ, तो बीच में देखिए वो भी उठ गया, अब मैं मिलूँगी थोड़ी देर में। और फिर से मैं अपने बच्चे को सुलाकर फिर से आ गई हूँ, ये देखिए आधा काम मेरा होता है आधा नहीं। और थोड़े से बर्तन थे जिनको मैंने धुल लिया है, और अब यहाँ पर मैं आटा लगा रही हूँ, और उसके बाद फिर जो है ना, उसके बाद मुझे फिर बनाना है खाना, तो उसमें देखिए मुझे कितना टाइम लगता है। तो बस ऐसे ही मेरा काम होता है, क्या करें। और यहाँ पर लग चुका है आटा, लग नहीं चुका है, लग रहा है। और सब्जी वगैरह, सब्जी नहीं, धनिया और सब कुछ मेरा रेडी है, बस बनाना ही बनाना है। तो बस यहाँ पर आटा लगा लेंगे, उसके बाद बनाएंगे। तो चलिए मैं फटाफट आटा लगा लेती हूँ, उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा आटा लगा रही हूँ, क्योंकि ये मॉर्निंग के लिए थोड़ा सा बच जाएगा, क्योंकि लीजा के लिए रोटी मुझे बनानी रहती है, और मॉर्निंग में टाइम मिल नहीं पाता, उठने में ना थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो इसलिए उसके लिए आटा सना रहेगा, तो उसके लिए रोटी बन जाएगी। और मैं अपने लिए दलिया वगैरह कुछ भी बना लेती हूँ, लेकिन उसको ज़रूरी रहता है ढंग से खाना वगैरह देना, तो इसलिए मैं शाम के टाइम ना थोड़ा सा ज़्यादा लगा लेती हूँ, जिससे ना मेरा काम भी आसानी से हो जाता है। और मुझे टाइम नहीं रहता तो पति देव दो रोटी मोटी मोटी उसके लिए बना देते हैं, क्योंकि उसका तो हो जाता है, हम लोग नहीं खाएंगे फिर भी चल जाएगा, लेकिन वो तो जानवर है, उसको जो उसका ज़रूरी है, तो उसके लिए भी मैं इसी टाइम देखिए लगा कर रख ले रही हूँ।
तो ये देखिए यहाँ पर आटा जो है लग चुका है और अब मैं जा रही हूँ सब्ज़ी बनाने। एक तरफ मैं सब्ज़ी बनाऊँगी और दूसरी तरफ मैं रोटी बना लूँगी। तो यहाँ पर आटा लग चुका है, मैं हाथ वगैरह अच्छे से धुल लूँगी और उसके बाद फिर मैं देखिए यहाँ पर जा रही हूँ सब्ज़ी बनाने। और रेसिपी वगैरह मैं नहीं शेयर करूँगी, मैं बस फटाफट बना लूँगी, क्योंकि रेसिपी शेयर करूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा, आप लोग भी बोर हो जाएंगे, तो इसलिए रेसिपी वगैरह नहीं शेयर करूँगी, बस ऐसे ही मैं फटाफट बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई देके रख दिया है, यहाँ पर धनिया कट कर रही हूँ सब्ज़ी के लिए। इसमें मसाला वगैरह मैं बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करती हूँ, बस सिंपल से मेथी और हींग का तड़का लगाती हूँ। और उसके बाद मैंने टमाटर देखे पीसा हुआ है उसको मैं ऐड कर दूँगी, और धनिया और हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट भी मैंने टमाटर में ही ऐड कर दिया है। बस वो सब अच्छे से मिक्स करके अच्छे से भूनूंगी। उसके बाद जो आलू मैंने रखी है उबाल कर उसको मैं इसमें मिक्स करूँगी और अच्छे से उसको भूनूंगी थोड़ी देर, और फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और वो अच्छे से बन जाएगा। तो चलिए मैं सब्ज़ी बना के उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो ये देखिए यहाँ पर बन रहा है मेरा पराठा, और सब्ज़ी देखिए कढ़ाई में है, अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो मेरी सब्ज़ी भी बन चुकी है और सब्ज़ी भी बन रही है दूसरी तरफ, और इधर पराठा सिक रहा है। तो बस मेरा खाना जो है पूरा ऐसे ही बनता है। तो प्लीज़ फ्रेंड सपोर्ट करिए, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बनाने में वीडियो, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है एक ब्लॉग बनाने में, मुझे तो बहुत ही टाइम लग जाता है। और ये मेरा पूरे दिन का ब्लॉग है, बस इतना ही, मुझे पूरा दिन लग गया बस खाना ही बनाने में, क्योंकि बीच बीच में मेरा बच्चा उठता रहता है तो उसको भी मुझे देखना पड़ता है। तो चलिए फिर मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी ना तो लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फिर इस ब्लॉग का मैं एंड करूँगी और मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक वीडियो का इंतज़ार करते रहिएगा और प्लीज़ 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 सपोर्ट करिए फ्रेंड्स, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है और बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है ब्लॉग बनाने का, मेरा पूरा दिन निकल जाता है बिना खाए पिए ब्लॉग के चक्कर में। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, और चलिए फिर बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैंने आपसे बाय बाय बोलकर फिर से मैं आ गई हूँ, क्योंकि मैंने सोचा म्यूज़िक लगा दूँगी, मेरा बच्चा उठ गया था लेकिन वो फिर से सो गया, तो मैंने सोचा नहीं वॉइस ओवर ही कर देते हैं, क्योंकि म्यूज़िक मैं तभी लगाती हूँ जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे लगता है कि हाँ अब मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाऊँगी तभी मैं म्यूज़िक लगाती हूँ, नहीं तो मैं म्यूज़िक नहीं डालती हूँ। और ये देखिए सब्जी तैयार है,